श्री गुरु गणाधिपतये नमः
भर को मैं संतुष्ट कर दिया है, लेकिन भरतखंड को अभी संक्रमित नहीं कर पाया। वहां से लोगों का शुद्ध जीवन क्रम इसका कारण है। जहां अंतरंग और बाह्य शुद्धि है, वहां मैं पनप नहीं सकता। पर मेरा लक्ष्य विश्व विजय, भरतखंड को कब्जे में लिए बिना मेरा लक्ष्य पूरा नहीं होगा। इसके लिए मैंने दो वीरांगों की सृष्टि की है। कहां है वे? तत्काल मेरे सामने प्रस्तुत हो। Oh,
रक्षा मेरा धर्म है। लेकिन ये विचित्र संक्रामक रोग पूरे देश में फैल रहा है। दिन बा दिन लोग इस नए रोग के शिकार होते जा रहे हैं। मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। जनसंकुल में आहाकार मचा है। वैद्य समूह हर संभव प्रयास कर रहा है, फिर भी परिस्थिति नियंत्रण में नहीं आ रही। विषम से विषम बनती जा रही है। जनजीवन विषम ही बन गया। संकट पर कब्जा कैसे पाए? हे धन्वंतरि जी, आप ही हमारे लिए रक्षा है। हम आपकी शरण में है, शरण में है। निवार्य है तभी घर से निकलना चाहिए। हाँ। बाहर जाते समय
मुह पर मुह बंद अवश्य पढ़ना चाहिए। हाँ। सामाजिक दूरी बनाया रखनी चाहिए। हाँ। व्यक्ति व्यक्ति के बीच दो गज का अंतर हमेश रखना चाहिए। हाँ। बार बार हाथ धोना चाहिए। हाँ। मुह नाक कानों पर अनावश्यक हाथ न लगाएं। हाँ। उत्तम आहार, नियमित व्यायाम, प्राणायाम आदि करके शरीर की रोग निरोधक शक्ति को बढ़ना चाहिए। हाँ। राजेंद्र, लगन से इनका पालन करने से इस व्याधि से बचना सकता है। हाँ। आपने प्रजा को इनका पाठ पढ़ा दो, पुराना सुर को मैं ढूंढ लूंगा। धन्वंतरी की जय हो, जय हो।
रक्षा के लिए मैं बड़ा हूँ। सर्व रोग शमनकारी धन्वंतरी, तू यहाँ से भाग जा, सीता तेरी निशान मिटा दूंगा। तुम मेरी निशान मिटाओगे? तुम मुझे नहीं जानते, मैं भरतकंड को कल्याण हो। जय जया जय जया जय जया।